वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ 5 ऐसे मोबाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि 2018 में बहुत ही बेस्ट रह चुके हैं। जैसे दोस्तों, आपने मोबाइल नहीं परचेस किया है, आप मोबाइल परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इन मोबाइल को दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। इन मोबाइल में से कोई मोबाइल आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले मोबाइल की तरफ जो कि है रियलमी का 2, जो कि दोस्तों 3GB 32GB और 4GB 64GB के वेरिएंट के साथ में आता है। जिस डिस्प्ले की बात की जाए दोस्तों, तो 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। कैमरे की बात की जाए दोस्तों, तो 13 और 2 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात की जाए दोस्तों, तो 4230 mAh की जो है बैटरी मिल जाती है आपको लिथियम आयन। और प्रोसेसर दोस्तों स्नैपड्रैगन का 450 ऑक्टा कोर जो है 1 GHz पे जो है बेस्ड है प्रोसेसर इसका। नॉच डिस्प्ले जो है आजकल आती है वही नॉच डिस्प्ले इसमें लगी है दोस्तों, और फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक के साथ में भी आता है दोस्तों। इसमें दोस्तों खास बात यह है ट्रिपल स्लॉट के साथ में जो है दोस्तों मोबाइल आता है, क्योंकि आप 2 4G की सिम लगा सकते हैं, 2 Jio की सिम अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं दोस्तों, और साथ में SD कार्ड भी जो है आप लगा सकते हैं दोस्तों। GPU दोस्तों इसमें एड्रीनो का 506 मिल जाता है दोस्तों आपको। और दोस्तों बेसिक फंक्शन वही है दोस्तों, एंड्रॉयड 8.1 पर जो है बेस्ट मिलता है आपको, जो कि अपडेट आ सकता है दोस्तों इसमें। और दोस्तों सेंसर की बात की जाए तो बाकी सेंसर सारे मिलते हैं दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर वगैरह, प्रॉक्सिमिटी भी मिलता है, जी सेंसर भी मिलता है, और एक्सेलेरोमीटर जो है सेंसर मिलता है, और पेडोमीटर भी आपको मिल जाता है इसमें दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल की, तो दोस्तों नेक्स्ट मुझे मोबाइल है वो है Xiaomi का Redmi Note 6 दोस्तों। Note 6 जो है एंड्रॉयड दोस्तों 8.1 पर आता है दोस्तों। MIUI भी इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों। इसमें सिम जो है नैनो डाल सकते हैं आप, और हाइब्रिड भी सिम इसमें स्लॉट मिलता है दोस्तों इसमें आपको। दोस्तों स्क्रीन की बात की जाए दोस्तों, तो 6.2 इंच का जो है आपको स्क्रीन मिलता है फुल HD दोस्तों, और 18:9 के साथ में आता है, जो कि 386 PPI पे जो है बेस्ड है स्क्रीन। जो बात करें दोस्तों प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर है दोस्तों इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 636 दोस्तों। इसमें आप पबजी भी बहुत आसानी से खेल सकते हैं, जो कि दोस्तों ऑक्टा कोर पर जो है बेस्ड है दोस्तों प्रोसेसर इसका। एड्रीनो का 509 इसमें ग्राफिक्स लगा हुआ है, और दोस्तों ये भी 2 वेरियंट में आता है, 3GB 32GB और 4GB 64GB के साथ में। दोस्तों बात की जाए कैमरे की, तो 12 और 5 मेगापिक्सल का जो है आपको डुअल कैमरा मिलता है, जो कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ में आता है, और LED फ्लैश भी आपको मिल जाता है दोस्तों इसमें आपको। और बात की जाए दोस्तों फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का दोस्तों आपको मिल जाता है। बात की जाए दोस्तों बैटरी की, तो बैटरी आपको 4000 mAh की आपको इसमें देखने को मिल जाती है दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों सेंसर की, तो बेसिक सेंसर आपको इसमें सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि Xiaomi के मोबाइल में प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास वगैरह, जायरोस्कोप वगैरह सारे सेंसर्स में आपको मिलती हैं दोस्तों। बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल की, तो नेक्स्ट मोबाइल है हमारा ऑनर का 7C। बात की जाए इसकी स्क्रीन की, तो 5.99 इंच का जो है HD+ आपको स्क्रीन मिल जाता है इसमें। 13 और 2 मेगापिक्सल का जो है डुअल रियर कैमरा मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है, जो कि अपार्चर दोस्तों 2.2 के साथ में आता है। तो इसमें 3GB और 32GB का वेरिएंट है, और 256GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसकी मेमोरी को, डुअल 4G आप चला सकते हैं दोस्तों। बात की जाए दोस्तों इसके प्रोसेसर की, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन दोस्तों 450 मिलता है, जो कि 1.8 GHz पे बेस्ड है। और बैटरी दोस्तों इसमें 3000 mAh की आपको मिल जाती है दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों बेसिक सेंसर की, तो GPS वगैरह आपको मिलता है, बेसिक सेंसर जो भी हैं आपको सारे के सारे देखने को मिलते हैं, कोई भी सेंसर जो है मिसिंग नहीं है इसमें। बात की जाए दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल की, तो नेक्स्ट मोबाइल है हमारा आसूस का ZenFone Max M2, तो अभी लॉन्च हुआ है दोस्तों। एंड्रॉयड 8.1 के साथ में जो मोबाइल आता है, और डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि फुल HD डिस्प्ले है। बात की जाए दोस्तों इसके प्रोसेसर की, तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का दोस्तों 632 का जो है प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, और एड्रीनो का 506 ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है इसमें। 2GB 32GB वाला वेरिएंट है, और 4GB 64GB वाला वेरिएंट आता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी जो है 2TB तक बताई जाती है। कैमरे की बात की जाए तो 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का जो है डुअल प्राइमरी कैमरा मिलता है, जो कि PDF यानी कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ में आता है, और अपार्चर दोस्तों इसका 1.8 जो है मिल जाता है आपको, जो कि 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकता है।
किया दोस्तों फ्रंट कैमरे की, तो 1 मेगापिक्सल का जो है अपार्चर 2.0 के साथ में फ्रंट कैमरा आता है। बात की जाए दोस्तों बैटरी की, तो 4000 mAh की जो है आपको बैटरी मिल जाती है इसमें। सेंसर आपको इसमें प्रोवाइड किए जाती हैं जो कि बेसिक सेंसर हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल की, तो इन्फिनिक्स नोट 5 नेक्स्ट मोबाइल है जो कि दोस्तों 3GB 32GB वाला वेरिएंट है और 128GB तक आपकी एक्सपेंडेबल मेमोरी सपोर्ट करता है। 4GB 64GB वाला भी वेरियंट मिलता है आपको। 5.99 इंच की जो है आपको फुल एचडी स्क्रीन भी प्रोवाइड की जा रही है इसमें, जो कि 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको दिया जा रहा है इन्फिनिक्स वालों की तरफ से। दोस्तों इसमें 4500 mAh की जो है आपको बैटरी मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी है। दोस्तों मीडिया टेक का हीलियो P23 जो है ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों एंड्रॉयड ओरियो का सपोर्ट आपको जो है मिलता है इसमें और ट्रिपल स्लॉट जो है आपको मिलती है जिसमें आप एक एसडी कार्ड और 2 SIM आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो बात की जाए फास्ट चार्जिंग की, तो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले की बात की जाए दोस्तों, तो 5.99 इंच की जो है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। बात की जाए दोस्तों सेंसर की, तो सारे के सारे बेसिक सेंसर आपको मिलते हैं जैसे कि फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक वगैरह वगैरह, जी सेंसर वगैरह आपको सारे मिलते हैं दोस्तों इसमें। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर, कंपास सेंसर वगैरह सारे सेंसर आपको मिलते हैं। और दोस्तों मेन बात यह है इसकी कि 18 वाट की जो है फास्ट चार्जिंग मिलती है आपको, जो कि दोस्तों इतनी बड़ी बैटरी होने के साथ में होनी भी चाहिए।